एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक राक्षसी पूतना को उनके घर भेजा। पूतना ने होली के दिन अपने स्नेह पर जहर लगाकर बाल कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिला दिया। राक्षसी पूतना का जहरीला दूध पीने की वजह से भगवान कृष्ण का पूरा शरीर गहरे नीले रंग का हो गया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बड़े होने लगे, उन्हें अपना रंग देखकर ये लगने लगा कि उनका ये रूप ना राधा को पसंद आएगा और ना ही गोपियों को। इस बात से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास पहुंचे और उनसे बोले, मैया, ये मेरा शरीर नीला क्यों है? मुझे इस रंग के साथ ही रहना होगा क्या? मुझे भी राधा जैसा गोरा होना है। क्यों लल्ला, तेरे रंग में क्या खराबी है? मैया, मेरा रंग मेरे सभी साथियों से अलग है, और तो और राधा और गोपियाँ भी मुझे इस रंग को लेकर चिढ़ाती हैं। भगवान कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को सलाह दी कि वो राधा को भी उसी रंग में रंग डालें जिसमें वो उसे देखना चाहते हैं। माता यशोदा की बात सुन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के पास पहुंचे और उनसे बोले, अब तुम ही बताओ मैं राधा के रंग में कैसे रंगूं ताकि राधा भी मेरे रंग में घुल मिल जाए। बस इतनी सी बात, हम सब मिलकर चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब इन सभी फूलों के रंग तैयार कर लेते हैं। जब सारे रंग मिल जाएंगे तो इससे एक नया रंग मिलकर तैयार हो जाएगा और फिर तुम उस रंग में राधा को रंग देना। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम सब मिलकर रंग तैयार करो, फिर हम सब मिलकर बरसाना में राधा को रंग देंगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर उनके साथियों ने रंग तैयार करना शुरू कर दिया। तभी राधा रानी कुछ सखियों के संग वहां से गुजर रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण और उनके साथियों की पूरी बातें सुन ली। कृष्ण की सारी प्लानिंग समझकर राधा अपने सखियों से बोली, तुम सब चिंता मत करो, मैं उनकी इस योजना पर पानी फेर दूंगी। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सभी साथियों के साथ बरसाना पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। राधा रानी सभी गोपियों के साथ पहले से ही वहां मौजूद थी और उन सब के हाथ में बड़े बड़े लठ थे। ये देखकर भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा बोले, कान्हा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं ये सभी गोपियाँ अपने हाथ में लठ लेकर क्यों खड़ी हैं? मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कृष्ण और उनके साथियों को देखकर राधा रानी ने कहा, क्या कहा था सखी तुमने, कान्हा मुझे रंग लगाएगा, देखते हैं अब ये लोग हमें कैसे रंग लगाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैंने भी मैया से वादा किया था, राधा रानी को तो मैं रंग लगा कर ही रहूंगा। भगवान कृष्ण और उनके सभी साथी गोपियों को रंग लगाने गए। बरसाना की गोपियों ने हाथ में लठ ले लिए। कृष्ण और उनके साथियों से बचने के लिए उन पर लठ बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन उनसे बचते बचाते कान्हा और उनके साथी भी गोपियों को रंग लगाने लगे। आखिरकार भगवान कृष्ण ने राधा रानी को फूलों से बने रंग में रंग दिया। तभी स्वर्ग के सभी देवी देवताओं ने भी उन पर पुष्प वर्षा की। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा संसार राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहा हो। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारत में हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट राजा था। राक्षस की तरह दिखने वाला हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा पर अनेकों अत्याचार करता था, उनसे बेवजह कर वसूलता था। क्रूर होने के साथ साथ वो बलवान भी बहुत था। हिरण्यकश्यप का एक भाई था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। दोनों भाई बहुत ही निर्दयी थे। हिरण्यकशिपु के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए भगवान विष्णु ने उसे मार दिया था। अपने भाई की मौत से हिरण्यकश्यप गुस्से से इतना तिलमिला गया कि उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कई साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की।
हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु ना जल पर हो सके, ना थल पर, ना देव से, ना दैत्य से, ना मनुष्य से, ना ही किसी जानवर से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को लगा कि अब उसे धरती पर मारने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अहंकारी हो गया। उसके जुल्म और ज्यादा बढ़ गए। वो ऐशो आराम के लिए लोगों को परेशान करने लगा। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से अपनी पूजा कराने लगा। उसके राज्य में जो भी उसकी पूजा नहीं करता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। लोग उसके भय से थर-थर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद एकदम शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का बालक था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का न कभी कहना माना और ना ही उसकी पूजा अर्चना की। वो तो बस हमेशा भगवान विष्णु की पूजा में डूबा रहता था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी तो वो प्रहलाद पर इस कदर भड़का कि उसने अपने ही बेटे को मार डालने का ऐलान कर दिया। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इसमें शामिल किया। तुम्हें प्रहलाद का वध करना है। प्रहलाद को मारने के लिए तुम मुझे कोई रास्ता बताओ। भैया, मेरे पास एक ऐसी ओढ़नी है जिसे मैं ओढ़कर आग में बैठ जाऊं तो मैं जल नहीं सकती। मैं अग्नि की चिता पर बैठ जाऊंगी। आप प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा देना, इससे मैं बच जाऊंगी और वो मारा जाएगा। ऐसा ही करेंगे। भगवान विष्णु का भक्त बनता है, अब देखता हूँ उसे कौन बचाने आएगा। होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। योजना के मुताबिक होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई, ताकि प्रहलाद की जलकर मौत हो जाए और होलिका जिंदा बच जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। प्रहलाद आग में बैठकर भी भगवान विष्णु का नाम जपता रहा, जिस वजह से विष्णु जी के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, उल्टा होलिका की जलकर मौत हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका मारी गई और प्रहलाद जिंदा बचकर जीत गया। बच्चों, तब से लेकर हर साल के फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। होलिका की मौत हिरण्यकश्यप बर्दाश्त ना कर सका। अपना ही बेटा प्रहलाद उसे दुश्मन की तरह चुभने लगा। प्रतिशोध की आग में वो इस कदर अंधा हो गया कि एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारे भगवान? वो इन सब लोगों को मुझसे बचाने क्यों नहीं आते? वे हर जगह विद्यमान हैं। क्या तुम्हारे भगवान इस स्तंभ में भी हैं? हाँ, वो यहाँ भी मौजूद हैं। गुस्से में लाल हिरण्यकश्यप ने पिलर में गदे से जोरदार प्रहार किया। पिलर टूट पड़ा। तभी उस पिलर से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अवतरित हुए। भगवान नरसिंह आधे सिंह थे और आधे इंसान। ये वो वक्त था जब दिन ढल रहा था, यानी ना वो दिन था ना रात, वो शाम का वक्त था। भगवान नरसिंह का विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप डर गया।
इससे पहले वो कुछ कर पाता, भगवान नरसिंह ने महल की चौखट पर बैठकर अपने पैरों पर उसे लिटाकर नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया। यानी वरदान के मुताबिक हिरण्यकश्यप का वध न धरती पर हुआ, न आकाश में और न पाताल में। न वो अस्त्र से मारा गया, न शस्त्र से, न घर के अंदर मरा और न घर के बाहर। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति मिली। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु ने रक्षा की। होली का त्योहार होलिका दहन और भक्त प्रहलाद से ही जाना जाता है। जिस दिन होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर मारना चाहा, लेकिन वो खुद जलकर मरी, वो दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। बस तब से लेकर आज तक हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और इसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर होली खेलते हैं। बच्चों, बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर ही हर साल होली जलाई जाती है और इसके अगले दिन आपसी दुश्मनी भुलाकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, होली मनाते हैं। बच्चों, सदियों से ये त्योहार यूं ही मनता आया है, आप लोग भी इस बार होली मनाइए। आप सबको होली की शुभकामनाएं। Thank you.